हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का संजय कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। माई सेल्फ सैदगुरु मन्नान। टुडे वी टू डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इन प्रीवियस वीडियो वी टू डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने डिस्कस किया था। आफ्टर दिस जो सेकंड टाइप डिस्कस किया था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आफ्टर दिस वन थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन फर्स्ट वी हैव टू टेक एक्टिविटी 1.9। हियर इन एक्टिविटी 1.9 हियर वी हैव टू टेक वन टेस्ट ट्यूब। इन अ टेस्ट ट्यूब वी हैव टू टेक कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट लेना है आपको, उसका लिक्विड प्रिपेयर करना है। इन दिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वी हैव टू ऐड एड आयरन नेल। हमने क्या ऐड किया हुआ है? टू आयरन नेल हमने ऐड किया हुआ है। आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर 20 मिनट, आफ्टर 30 मिनट के बाद अब उसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो इन ऑन द नेल समथिंग इज हैपन। मीन्स नेल जो है वो क्या है, वो डिफरेंट कुछ हो रही है। तो फर्स्ट जब हमने कॉपर सल्फेट के जो सॉल्यूशंस लिया था उसका जो कलर्स था उसका था ब्लूइश कलर था। जो टेस्ट ट्यूब जो वन जो हमने फॉर एग्जांपल ली थी, मतलब जो हमने टेस्ट ट्यूब लिया था उसके अंदर जो कॉपर सल्फेट जब ऐड किया था उसका जो कलर था वो क्या था, ब्लू कलर था। एंड जब आफ्टर रिएक्शन जब केमिकल नेल जो फर्स्ट जो हमारी थी उसको आप देख रहे हो तो वाइटनेस एंड आपको शाइनिंग आपको दिखाई दे रही। बट आफ्टर रिएक्शन क्या, और आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मीन्स कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से बाहर निकल रहे हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, वो ब्राउनिश दिखा रहे। क्या दिखा रहे? ब्राउनिश दिखा रहे। एंड सम स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स भी आपको डाउन साइड दिखाई दे रहे हैं। एंड ये जो टेस्ट ट्यूब थी उसका जो अब कलर जो है वो कौन सा हो चुका है, ग्रीनिश कलर अभी हो चुका है। मीन्स आफ्टर रिएक्शन अभी उसका जो कलर है वो भी क्या हुआ, चेंज हो चुका है। तो हियर क्या हो रहा है, इन दिस रिएक्शन जो आयरन है, आयरन एफ्री सॉलिड फॉर्म में लिया हुआ है, कॉपर सल्फेट हमने एक्वाइनस मतलब वाटर के अंदर ऐड किया हुआ है। आफ्टर रिएक्शंस क्या हो रहा है, आयरन सल्फेट मिल रहा है। मींस जो सल्फर ऑक्साइड जो था SO4 हमारा किसके साथ जॉइंट हो रहा है, Fe एंड कॉपर क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। कॉपर क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो क्यों ऐसे हो रहा है, तो यर एक वन थिंग्स हो रही है। अब इन चैप्टर नंबर 5 में जब पढ़ोगे एलिमेंट्स के बारे में, बेसिकली हमारे 118 हमारे क्या है, एलिमेंट्स अवेलेबल है। 118 एलिमेंट्स जो अवेलेबल है उसमें कुछ एलिमेंट्स है वो क्या है, हाई है, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन है, हाई पावर है। एंड कुछ जो एलिमेंट्स हो क्या है, लो है। लो मतलब उसकी जो कैपेसिटीज है, उसका जो रिएक्शंस है, एवरीथिंग इज लो है। ठीक है, तो सम जो एलिमेंट्स है वेरी हाई है, मतलब वो वेरी रिएक्टिव। तो इन दिस सॉल्यूशन क्या हो रहा है, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आयरन है कॉपर सल्फेट में से किसको रिमूव कर रहा है, कॉपर को वो रिमूव कर रहा है। तो क्या डिस्प्लेस कर रहा है, मीन्स वो रिमूव कर रहा है। दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट मीन्स आपको क्या पता चले वो कैसे कब हो रहा है, कि मीन्स जो भी हमारा एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स है वो है जो सामने जो अदर एलिमेंट्स जो है, मीन्स कंपाउंड जो हमने लिया हुआ है उसके अंदर लेस रिएक्टिव वाला जो कंपाउंड होगा, मीन्स एलिमेंट्स होगा, मीन्स Fe वेरी मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर। कॉपर से क्या है, वेरी मोर रिएक्टिव है। तो क्या करके Fe है तो मोर रिएक्टिव है, तो कॉपर को क्या कर रहा है, वो लेस रिएक्टिव है, इसीलिए उसको वहाँ से कंपाउंड में से रिमूव कर रहा है। मीन्स कॉपर को रिमूव कर रहा है। एंड सल्फर ऑक्साइड किसके साथ टेक कर रहा है, Fe के साथ, SO4 में मिल रहा है एंड कॉपर में मिल रहा है। तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड या सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स उसके कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव जो एलिमेंट्स है उसको रिमूव कर रहे हैं, तो क्या दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, समटाइम्स होगा जो यहाँ पर हमने
जो लिया हुआ है, एलिमेंट्स लिया हुआ है, एंड जो कंपाउंड है, जो कंपाउंड में मोर रिएक्टिव होगा, मतलब मोर रिएक्टिव है एंड कंपेयर टू Fe, मतलब Fe है उसके कंपेरिजन में लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। मतलब ये Fe है उसको ये कंपाउंड को ब्रेक नहीं करेगा, बिकॉज ये मोर रिएक्टिव है एंड ये लेस रिएक्टिव। बट यहाँ पर उल्टा है, जो Fe है कंपेयर टू कॉपर वो क्या है, मोर रिएक्टिव है, इसीलिए वो क्या करे, उसके कंपाउंड में से उसको डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब उसको रिमूव कर रहा है। तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सम अनदर एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जिंक लिया हुआ है एंड कॉपर सल्फेट के अंदर अब क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। कॉपर सल्फेट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो एट द टाइम्स क्या करें, जिंक हमें सल्फेट मिल रहा है, वो भी हमें सॉल्यूशंस में मिल रहा है, सॉल्यूशन जो हमारा जुड़े उसमें होगा, एंड कॉपर के हमें क्या दिखाई देंगे, स्मॉल स्मॉल डॉट्स हमें दिखाई देंगे। तो हियर हमें भी क्या पता चले, जिंक है कंपेयर टू कॉपर वो क्या है, मोर रिएक्टिव है, इसीलिए वो कंपाउंड में से क्या करें, उसको रिमूव कर रहा है, एंड जिंक सल्फेट एंड कॉपर हमें मिल रहा है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं जिंक है कॉपर की कंपेरिजन में क्या है, मोर रिएक्टिव है। ये हमें चैप्टर 5 में और डीप में हम उसको देखेंगे, चैप्टर 3 में भी आने वाला है मोर रिएक्टिव सीरीज, रिएक्टिव सीरीज के बारे में हमें स्टडी करना है। तो ये आपको रिमेंबर रखना है, जिंक है Fe है वो कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव है, ये हमें रिमाइंड रखना है। आफ्टर दिस जो हमारा 3rd जो वाला है, लेड एंड कॉपर क्लोरीन, लेड एंड कॉपर क्लोरीन, लेड का हमने सॉलिड फॉर्म में लिया हुआ है एंड कॉपर क्लोरीन का हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है। आफ्टर दिस आप देख रहे हो तो लेड क्लोराइड हमें मिल रहा है, मींस हमें जो सॉल्यूशन है उसके अंदर लेड क्लोराइड एंड कॉपर हमें क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, मतलब उसके डॉट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब सॉलिड फॉर्म में। तो ईयर भी क्या हो रहा है, जो लेड है वो क्या कर रहा है, कॉपर क्लोराइड के कंपाउंड को ब्रेक कर रहा है, मींस जो लेड है कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो हमने यहाँ पर 3 थिंग्स देखा, लेड जिंक एंड आयरन Fe, वो क्या है, उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो क्या कर रहा है, उससे कंपाउंड में से उसको रिमूव कर रहा है। तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आफ्टर दिस नंबर 4, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा था तो वो वन कंपाउंड को ब्रेक कर रहा था, यहाँ पर डबल मतलब दोनों को करेगा, मीन्स यहाँ पर क्या है, एक रिएक्टेंट में हम क्या लेंगे, 2 कंपाउंड्स लेंगे एंड प्रोडक्ट में भी हमें क्या मिलेगा, 2 कंपाउंड्स मिलेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें रिमाइंड होगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी ईजी हमारे लिए होगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपको यहाँ पर एक्टिविटी 1.10 दिया हुआ है। इन एक्टिविटी 1.10 में हम देख रहे थे, हमने 2 सॉल्यूशंस लिया हुआ है, 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड 3 ml हमने बेरियम क्लोराइड, ठीक है। हमने यहाँ पर सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है 3 ml एक टेस्ट ट्यूब में, एंड एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या ले रहे हैं, बेरियम क्लोराइड। अब दोनों को ऐड करें, फर्स्ट हम उसका दोनों का जो कलर देखेंगे, जो कलर है वो क्या है, कलरलेस है, कलरलेस दोनों का क्या है, कलरलेस है। हम दोनों को ले रहे हैं लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, कौन से फॉर्म में ले रहे हैं, लिक्विड। दोनों अब लिक्विड को हम ऐड कर रहे हैं तो फाइनली हमें बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड हमें मिल रहा है, मीन्स जो बेरियम सल्फेट है वो हमें सॉलिड फॉर्म में दिखाई दे रहा है। देखो सॉलिड फॉर्म में मीन्स वाइट हमें पार्टिकल्स दिखाई देंगे, वो कौन से है, बेरियम सल्फेट एंड NaCl सोडियम क्लोराइड का हमें सॉल्यूशंस मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब इन दिस रिएक्शन, एनी रिएक्शन में इन विच इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म, मीन्स जब भी कोई केमिकल्स टू केमिकल्स ऐड कर रहे हैं एंड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है या इनसॉल्युबल एलिमेंट्स हमारा कंपाउंड प्रिपेयर हो रहा है, तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नॉन एज प्रिसिपिटेट बोलेंगे हम उसको, एंड एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रिसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। मीन्स एनी रिएक्शंस में प्रिसिपिटेट जो प्रोड्यूस कर रहा है, मीन्स 2 लिक्विड्स ले रहे हैं एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, इनसॉल्युबल एलिमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, कंपाउंड प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हियर क्या हो रहा है, हियर हम इन देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट है सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड को हम ऐड करें तो बेरियम सल्फेट का हमें क्या मिल रहा है, हमें सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है एंड सोडियम
क्लोराइड है वो हमें क्या मिल रहा है, वो वाटर फॉर्म में मीन्स डिजोल्व मिल रहा है। तो हियर क्या चेंज हुआ, हियर क्या हुआ, आयरन एक्सचेंज हो रहा है, मीन्स आयन क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, उसके जो आयन थे वो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो कैसे एक्सचेंज हो रहा है, तो ये आयरन एक्सचेंज कर रहा है, तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट बाय एक्सचेंज ऑफ आयन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो उसको हम कैसे आयरन चेंज कर रहा है वो मैं आपको डीप में दिखा रहा हूँ, हमने 9th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया था, अगेन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इन अपर साइड मैंने क्या रिटर्न किया हुआ है, पूरा वो सॉल्यूशन रिटर्न किया हुआ है, Na2SO4 प्लस BaCl2 प्लस BSO4 प्लस ट्वाइस NaCl, ठीक है, ये हमें दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर जो सेल्स थी बेसिकली हमारे पास, हम 4 सेल के बारे में पढ़े थे, KLMN, बट एयर और एक ऐड करना है ओ, उसके बाद भी एक और आ रही है वो हमें देखना है 5th चैप्टर में। तो फर्स्ट जो सेल थी उसके अंदर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, हमने बोला था ये आपको इक्वेशन बोला था, n इज इक्वल टू 1 पुट करो तो 1 2 1 2, 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही रहेगा, 2 1 2। तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 8, फोर्थ में 18 एंड फिफ्थ में 18, ये हमें पता है, ऑलरेडी पता है। तो ये चलो हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंट की बात करें, तो रिएक्टेंट में हमने फर्स्ट क्या हुआ, Na2SO4। तो चलो सोडियम, Na मतलब सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कौन सा है, 11, 11 मतलब 281, 281। तो ये हमें थर्ड सेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, बट हमारे पास कितना है, ओनली 1। तो उसको 7 गेन करना या 1 डोनेट करना कौन सा इजी रहेगा, हमें 1 डोनेट करना इजी रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या रिटर्न किया हुआ, Na प्लस, ठीक है। एंड सल्फर, सल्फर 16 नंबर मीन्स 286 होगा। थर्ड सेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, हमें 8 चाहिए, तो हमारे पास कितनी वैकेंसीज है यहाँ पर, 2, बिकॉज वो 6 डोनेट करना या 2 गेन करना इजी कौन सा रहेगा, 2 गेन करना, तो हमारे लिए यहाँ पर क्या होगा, सल्फर 2-, ये 2- मीन्स उसके अंदर वैलेंस है, मतलब उसके अंदर 2 की स्पेस अवेलेबल है, इसलिए मैंने 2- रिटर्न किया हुआ। एंड ओ मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब 8 नंबर 2 एंड 6, तो ऑक्सीजन के पास कितनी वैलेंस है, 2-, मतलब उसको 2 चाहिए। बट हियर जो हमारा कंपाउंड प्रिपेयर हो रहा है Na2SO4, तो Na2SO4 कैसे प्रिपेयर हो रहा है, तो भाई Na2 मतलब सोडियम, एक सोडियम होगा तो उसके पास एक वैकेंस, एक एक्स्ट्रा है, 2 होगा तो 1 और एक्स्ट्रा होगा तो उसके पास 2 एक्स्ट्रा है, हम नहीं एक्स्ट्रा है 2, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 प्लस रिटर्न किया हुआ। एंड SO4 2-, तो कैसे हो रहा है, सल्फर 1 है, सल्फर के पास 2- इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके 2 वैकेंसीज है, एंड ऑक्सीजन के पास भी 2 वैकेंसी है। बट जब कंपाउंड जब प्रिपेयर हो रहा है तो इन बिटवीन जो एलिमेंट्स है फर्स्ट क्या कर रहे हैं, उसके बीच में एक्सचेंज कर रहे हैं, कि जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन हमने 4 लिया हुआ, कितने लिया हुआ, 4, ठीक है, तो सभी के पास 2 की वैलेंसी है, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, सभी के पास 2 की वैलेंसी है, लास्ट के पास भी 2, 6 होगा, तो क्या करेगा, ये जो 6 है ये सभी को 2, 2 डोनेट करेगा, क्या करेगा, सभी को 2, 2 डोनेट करेगा, 2 डोनेट कर रहा है, 2 डोनेट कर रहा है, यहाँ पर 2 कर रहा है एंड यहाँ पर 2 कर रहा है। तो हियर अब लास्ट में क्या रहेगा, हमारे पास ये जो ऑक्सीजन था उसके पास क्या रहेगा, अब ओनली 2, एंड हियर जो ऑक्सीजन है उनके पास क्या होगा, 2, 8, 2, 8, 2, 8, एंड लास्ट वाले के पास 2, मीन्स हियर सभी हमारे क्या हुआ, जो सेल्स है वो फिल हो चुके हैं। देखो तो ऑक्सीजन क्या करे, सभी को इंटरचेंज चेंज करा, मतलब यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा आयंस है नहीं, तो सल्फर के पास 2- है, कितना है, 2-, एंड SO4 का तो O4 का तो 0 है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर रिटर्न किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो क्या होगा, Na2+, बिकॉज यहाँ पर हमने हाउ मेनी सोडियम से लिए हुए 2, एंड SO4 तो 1 ही है, तो Na के पास 1 एक्स्ट्रा है, 2 के पास 2 एक्स्ट्रा होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर अपर साइड 2 रिटर्न किया हुआ है, 2+ एंड SO4 2-, SO4 मतलब O4 का तो है ही नहीं, एंड SO4 का है, SO, S का क्या है,
एस का हमारा ये 2 माइनस उसके पास है, इसीलिए मैंने क्या रिटर्न किया 2 माइनस, मतलब SO4 2 माइनस एंड Na 2 प्लस। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक के बेस पर वो कम्प्लीटली सेम है, मतलब उसका क्या होगा आयरन जो है वो प्लस और माइनस क्या होगा जीरो ही होगा, पता चला। नेक्स्ट सिमिलरली BaCl2 बेरियम क्लोराइड, बेरियम नंबर 4 ये आपको रिमाइंड रखना है, बेरियम नंबर 4 ठीक है, तो फर्स्ट सेल में 2 सेकंड में 2 तो वैकेंसी 2 उसका 6 चाहिए तो वैकेंसी कितना रहेगा 2, तो उसके इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 प्लस रिटर्न किया हुआ है। क्लोरीन नंबर 17 तो 2, 8, 7 उसको थर्ड सेल में 1 चाहिए इसीलिए मैंने Cl माइनस रिटर्न किया हुआ है। तो बट हमारा जो कंपाउंड है तो Ba2 प्लस यहाँ पर कितना है 2 एक्स्ट्रा है एंड क्लोरीन के पास तो सिर्फ एक ही वैकेंसी है, तो मैं क्लोरीन और एक ले लूँ और एक क्लोरीन ले लूँ तो उसके पास और एक माइनस होगा, तो दोनों सेम होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है BaCl2। तो ये हमने बात की रिएक्टेंट की बात की। तो सिमिलरली प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ BaSO4, तो Ba के पास हमने एक्स्ट्रा है 2 प्लस ना, SO4 के पास कितने वैकेंसीज है 2 की, तो दोनों कंबाइन हो सकते हैं, तो BaSO4 एंड NaCl, NaCl Na के पास 1 एक्स्ट्रा है, Cl के पास एक वैकेंसी है, तो दोनों मतलब दोनों कंपाउंड मिक्सअप होगा। तो हियर क्या हुआ, हियर जो मैंने बोला कि डबल डिस्प्लेसमेंट में देखो, अब ये पूरा मैंने रिएक्शंस आपको एक्सप्लेन किया, तो आयरन चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है वो आयरन चेंज कर रहा है। देखो यहाँ पर Na है प्लस है, SO4 माइनस है, यहाँ पर Ba प्लस है, Cl माइनस है, यहाँ पर क्या है Ba प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो प्लस है वो नेगेटिव के साथ क्या हो रहा है कंबाइन हो रहा है, देखो दोनों आयरन चेंज कर रहे हैं, मतलब दो दो कंपाउंड थे दोनों बीच में क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, NaCl यहाँ पर में आ रहा है प्लस में यस, एंड BaSO4 ये भी क्या कर रहा है उसका आयरन चेंज कर रहा है। तो दिस काइंड ऑफ जो रिएक्शंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयरन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और एक एग्जाम्पल सबको दिया हुआ है, मैं सेकंड और एक आपको एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो